वेलकम टू डुओ कोडर्स डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है आज के वोट में डिस्कस करेंगे अबाउट ओ एस आई मॉडल दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो कि बेसिकली डिफाइन करता है कि एक इंटरनेट में या इन जनरल एक कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं जो रिक्वेस्ट होता है इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किन किन से पास करता हुआ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है और इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जो मॉडल करता है दैट इज दी ओ एस आई मॉडल दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल और इस चीज को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल होगा कि जब भी हम लोग एक वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमको वो वेबसाइट दिख जाता है बट फॉर नॉर्मल यूजर्स डेफिनेटली वो लोग को बस ये दिख रहा है कि एक वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया गया है और वेबसाइट दिख गया है बट बिहाइंड द सीन्स इतने सारे चल रहे होते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी कि कैसे ये प्रोसेस कैसे ये रिक्वेस्ट एक लेयर से दूसरे लेयर तक पहुंचता है और फिर कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द कंप्यूटर्स या बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ सर्वर एंड या दैट इज वेरी मच इट सो लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट लेयर ज दी एप्लीकेशन लेट इज नॉट दूर में अपना यही वन नोट हो गया या कोई ब्राउजर हो गया या किसी और एप्लीकेशन के बारे में या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं

उसके पीछे चल रहा होता है एक एच रिक्वेस्ट या बिफोर दैट जितने भी लेयर्स यहां पे होते हैं इन सभी लेयर्स में बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ये लेयर फॉलो करता है फॉर कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट अब मैं बताता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसी आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है जो आपका ब्राउजर है वो बिहाइंड द सीन एक एच गेट रिक्वेस्ट एच इज द प्रोटोकॉल और एक गेट रिक्वेस्ट करता है एट द एप्लीकेशन लेयर और जो ये आपका रिक्वेस्ट है जो ये आपका लिंक पे क्लिक करना है दिस इज एक्चुअली अ रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर 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 से जाता है प्रेजेंटेशन में अब नॉट गोइंग डिटेल्स ऑफ लेन ले रिक्वेस्ट कैसा दिखता है जस्ट अज्यूम कि यहां पे एक रिक्वेस्ट होता है एस टी टीपी रिक्वेस्ट इज जस्ट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए बी सी और वन टू और थ्री ठीक है ये एक एस टी रिक्वेस्ट है जो कि एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ प्रेजेंटेशन लेयर पे आया और यह एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि हमारे इस लिंक पे क्लिक करने को दर्शा रहा है तो एप्लीकेशन का लेयर का काम है इसको एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चराइज करना और प्रेजेंटेशन लेयर को भेज देना अब प्रेजेंटेशन लेयर पे तीन काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता? और ये सभी चीजें हमारे कंप्यूटर के बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है अब वो इन कैरेक्टर्स को ऑब्वियसली ये कैरेक्टर्स कंप्यूटर को समझ में नहीं आते तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है सबसे पहले इन कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना जीरोज और वंस के फॉर्म में यानी कि बाइट्स में कन्वर्ट करना अब ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है ये बहुत बड़ा होता है साइज में दो सौ के बी का रिक्वेस्ट होता है और जब इसको बाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये और बड़ा हो जाता है रिक्वेस्ट साइज में तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है सबसे पहले इसको बाइट में कन्वर्ट करना फिर इसको कंप्रेस करना डेटा कंप्रेशन तो पहला स्टेप होता है इस पर कन्वर्टिंग द डेटा इन टू बाइट कोड और उसके बाद होता है डेटा कंप्रेशन दैट इज डीसी मैं यहां से डीसी लिख दे रहा हूं डेटा कंप्रेशन उसके बाद जब कंप्रेस्ड डेटा आ जाता है तो डिपेंडिंग ऑन वेदर दी एस एस एल लगा हुआ है कि नहीं वेबसाइट पे यानी कि कोई इनक्रिप्शन uh, एल्गोर्दम लगा है कि नहीं ये जो प्रेजेंटेशन uh, इसको एनक्रिप्ट भी करता है डेटा को बेसिकली बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंप्रेस करता है डेटा को और फिर एनक्रिप्ट करता है और फिर जाके एक फाइनल हमको बाइट्स मिल जाते हैं फाइनल बाइट्स मिल जाते हैं वन जीरो वन जीरो ऐसे करके फाइनल बाइट्स मिल जाते हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर वापस सेशन लेयर पर भेज देता है अब सेशन लेयर जो है बेसिकली मैनेज करता है एज द नेम सजेस्ट सेशन लेयर क्या करता है मैनेज करता है ये जो रिक्वेस्ट है इस कंप्यूटर का सेशन मैनेज करता है सर्वर के साथ में क्योंकि अल्टीमेटली ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी सर्वर पे जाने वाला है तो सेशन लेयर का, का काम बेसिकली है टू मैनेज दैट कनेक्शन तो ये बाइड प्रेजेंटेशन लेयर से होते हुए सेशन लेयर पे आते हैं अब सेशन लेयर के बाद ये जो बाइट्स है ये पहुंचते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे वेयर द मेन Thing अब लेयर पे जब ये डेटा आता है तो ट्रांसपोर्ट लेता है तो ट्रांसपोर्ट लेगमेंट बनाता है काम होता है इसमें दो चीजें एड करना दो चीजें एड करता है एक होता है एस एक होता है डी और यह आपका यहां पर डेटा है यह डेटा यहाँ पे दिस इज एस दट इज सोर्स पोर्ट सोर्स पोर्ट और ये होता है डेस्टिनेशन पोर्ट पोर्ट एड करता है जो वेबसाइट पे पोर्ट्स होते हैं वो यहां पे एड होते हैं तो यहां पे सोर्स पोर्ट एड होता है यहां पे एस पी एंड डी सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड करता है और ये जो कंप्लीट चीज है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट अब ट्रांसपोर्ट लेयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आगे भेज देता है नेटवर्क अब नेटवर्क लेयर पे जैसे ही ये सेगमेंट पहुंचता है

सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसके बाद ये जो फाइनली चीज है इसको बोलते हैं एक डेटा पैकेट और एन आईपी पैकेट जो आपको बोलना है डेटा पैकेट और आईपी पैकेट और ये जो डेटा पैकेट और आईपी पैकेट है डेटा लिंक पे जहां पे इसकी फिजिकल एड्रेसिंग होती है ये जो डेटा पैकेट आता है इस डेटा पैकेट पे दो कंपोनेंट्स और लगाए जाते हैं दैट इज एस मैक एंड डी मैक एस मैक एमसी लिख दे रहा हूं और डी मैक डी एमसी और जो एस मैक कंप्यूटर का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जहां पे ये रिक्वेस्ट जा रही है वहां पे ये डेटा लिंक लेयर पे पहुंचता है ये रिक्वेस्ट और फाइनली इस चीज को हम बोलते हैं एक फ्रेम दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम ठीक है और ये जो फ्रेम है देन पहुंचता है फिजिकल लेयर पे, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास जहां से ये फ्रेम देखता है कि भाई ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये वायरलेस वायर्ड कनेक्शन है या वायरलेस कनेक्शन है यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है ये राउटर तक भेजना है या वायर्ड कनेक्शन से किसी और कंप्यूटर को भेजना है तो उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर वायरलेसली टू द राउटर अलग अलग तरीके से ये इन फ्रेम्स को जीरोज और वन के फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ये फिजिकल लेयर से एमिट होता है और एमिट होके फिर निकलता है इन द इंटरनेट और जब ये फाइनली पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे तो जस्ट डेस्टिनेशन का जो कंप्यूटर होता है डेस्टिनेशन पे तो कंप्यूटर ही है तो डेस्टिनेशन पे यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है फिजिकल लेयर पे डेटा पहुंचता है फिजिकल लेयर से डेटा लिंक डेटा लिंक से नेटवर्क नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर यानी कि जिस वेब web, जिस वेबसाइट की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो जिस सर्वर पे होस्टेड है वहां पर रिक्वेस्ट पहुंचा अब उस मैं वहां पे एप्लीकेशन लेयर में रिक्वेस्ट प्रोसेस हुआ कि भाई ये कौन से रिसोर्सेस को रिक्वेस्ट कर रहा है यहां से एक और रिक्वेस्ट निकला यानी वेबसाइट निकली और वेबसाइट वापस यहां पे आई और फिर जाके हमको ब्राउजर पे वो वेबसाइट दिखता है यानी कि तीन बार रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाते हैं यहां से निकलता है रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचता है वहां से वापिस वो एक रिक्वेस्ट करता है और फिर जाके हमको वेबसाइट फाइनली दिखता है तो इतने सारे चल रहे होते हैं पीछे इन द ओएसआई मॉडल ये सभी चीजें मॉडल्ड किए गए हैं इस फॉर्मेट में ताकि हमको समझ आ सके कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे सॉफ्टवेयर लेवल पे और हार्डवेयर लेवल पे क्या हो रहा है इन द बैकग्राउंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओ एस आई मॉडल आल सी यू नेक्स्ट टाइम